शिवसेना और बीजेपी इन दोनों ने साथ में जो काम शुरू किया, साथ में इलेक्शन के लिए लोगों के सामने जाना शुरू किया, वो पूरी प्रोसेस मैंने बहुत करीबी से देखी है। मैं 1991-92 से मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते आया हूँ, तो ये सभी घटनाओं का मैंने मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो जब भी इस विषय पे बात होती है कि क्या कारण होगा इन दोनों पार्टियों में, किस कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए, आप देखिए कि जब किसी शाखा किसी पेड़ के ऊपर एक जो बेल चढ़ती है, लता जिसे संस्कृत में कहते हैं, तो जब वो बेल ही वो पेड़ से ज़्यादा बड़ी होने लगती है तो उसे पेड़ को छोड़ना ही पड़ता है या पेड़ को उसे छोड़ना पड़ता है। वही कारण हुआ, शिवसेना एक पेड़ था, एक मजबूत पेड़ था जिसे जनाधार था, उसके साथ में बीजेपी ने अपने को एडजस्ट किया था। आप देखिए शुरू की जो शिवसेना थी वो शुरू की शिवसेना बहुत एग्रेसिव थी, बहुत एग्रेसिवली हिंदुत्व प्रपोगेट करने वाली थी, और उस वक्त जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, हिंदू मुस्लिम रायट्स मुंबई में हुए थे, और महाराष्ट्र का जो स्पेसिफिकली मराठवाड़ा रीजन था उस रीजन में शिवसेना ने बहुत अच्छी तरह से खुद को इस्टेब्लिश किया था। तो जब बीजेपी को ये महसूस हुआ कि ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग है, इसके साथ हम जा सकते हैं, हमारी जो आइडियोलॉजिकल करीबी क्लोजनेस है, तत्व हमारे दोनों के साथ में है, तो हम साथ में जाएंगे तो इलेक्शन में उसका फ़ायदा होगा। और ये सब चीज़ें करने के लिए स्पेसिफिकली हम लोग प्रमोद महाजन, इन्हें हम स्पेशली क्या प्रमोद महाजन को इसका क्रेडिट देना चाहिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।